हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में दोस्तों आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आप क्लास टेंथ में हैं और दोस्तों 2024 में आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है तो आपको जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। और आप देख लीजिए क्लास टेंथ से ही दोस्तों आपके जो है ना गवर्नमेंट एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब ट्वेल्थ के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो है ना क्लास टेंथ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट एक कंडीशन ये है कि उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप भी दोस्तों क्लास ट्वेल्थ के बाद जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप अच्छे से पढ़ें, डीपली पढ़ें चीज़ों को और उसको याद रखें लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही चीजें आगे आपका काम आएगा, आपने सुने होंगे टीचर से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है, कार्य का मात्रक क्या है। देखिए कार्य को हम किस में मापते हैं, जैसे वजन को दोस्तों हम किलोग्राम में मापते हैं तो इसी तरीके से दोस्तों कार्य को जो है ना हम जूल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष के द्वारा जो है ना खगोलीय दूरी मापा जाता है, जिससे पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी कितनी है, मतलब कि काफ़ी दूरी, काफ़ी लंबी दूरी मापने की इकाई है ये हम कह सकते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है, मतलब कि बल को किस में मापा जाता है तो न्यूटन में मापा जाता है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है पारसेक इकाई क्या है, पारसेक के द्वारा दोस्तों खगोलीय दूरी ही मापा जाता है, लेकिन पारसेक जो है ना प्रकाश वर्ष से ज़्यादा लंबी दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इनमें से कौन सा सही मेल नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये वाला नहीं है, बाकी सारे सही है, ठीक है ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ये आपने पढ़े हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल इकाई क्या है, मतलब कि पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल के द्वारा दोस्तों दाव मापा जाता है, ठीक है ना, दाव की। कैंडला मात्रक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ज्योति तीव्रता की। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो ऊर्जा की एसआई इकाई दोस्तों आपको पता है जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई दोस्तों टेस्ला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, तो हर्ट्ज के द्वारा दोस्तों तरंगों की आवृत्ति, मतलब कि फ्रिक्वेंसी मापी जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो विद्युत मात्रा के द्वारा दोस्तों एम्पियर की इकाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या होता है, मतलब कि लेंस को हम किस में मापते हैं, लेंस की पावर को, तो लेंस की पावर को हम डायोप्टर में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई दोस्तों एम्पियर है, ठीक है ना, सॉरी एम्पियर नहीं डेसीबल है, ठीक है ना, डेसीबल याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा मापने की इकाई है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई क्या है, तो तापमान की एसआई इकाई दोस्तों केल्विन है, मतलब कि तापमान को हम केल्विन में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता के एसआई, मतलब रेजिस्टेंस के एसआई मात्रक को सही दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर, ठीक है ना, ये आप विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा अति दीर्घ, बहुत ज़्यादा दूरी मापने वाली मापने का मात्रक है, तो केवल डी ऑप्शन, मतलब कि एक सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन डी ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बाकी सभी ऊर्जा का मात्रक है, ठीक ना। तो आज की इस क्लास में हम यही तो क्वेश्चंस करते हैं, और अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा,